नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मलिक और आज का हमारा टॉपिक है फरवरी करंट अफेयर। ठीक है, और आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा 9 फरवरी 2018 को जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट भारत रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है केरल। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नीति आयोग ने जारी की है हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, उसमें इसमें जो जिन संकेतिक आधार बनाया है वो हैं शिशु मृत्यु दर और लिंग अनुपात और स्वास्थ्य सेवाओं को इसने आधार बनाकर ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें शीर्ष स्थान केरल को और सेकंड पंजाब को और थर्ड स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। और जो लास्ट के शीर्ष स्थानों की बात करें हम, जैसे छोटे राज्यों की, तो 3 स्थानों पर जो प्राप्त हुए हैं वो हैं मेघालय, मणिपुर और गोवा, जो लास्ट में रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुसुम स्कीम का संबंध किससे है? कुसुम स्कीम का संबंध है सौर ऊर्जा से। देखिए, जो केंद्र सरकार ने किसानों के बीच और सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 फरवरी 2018 को किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम स्कीम को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य सोलर फार्मिंग को प्रोत्साहन देना है। आम बजट 2018-19 में इस स्कीम के तहत 48,000 करोड़ की राशि को उपबंध किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका आंसर है नई दिल्ली से। देखिए, इसकी जो ट्रेन की शुरुआत है, पर्यटन मंत्रालय ने 7 फरवरी 2018 को सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन अभियान की शुरुआत की। पर्यटन और पर्यटन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए यात्रा ब्लॉगर्स को इस अभियान से जोड़ा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है 31 जनवरी 2018 को? ठीक है, इसका आंसर है करंज। देखिए, स्कॉर्पिन क्लास की तीसरी पनडुब्बी INS करंज का 31 जनवरी 2018 को जलावतरण किया गया। इस पनडुब्बी का जलावतरण नेवी वाहिस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष रीना लांबा द्वारा किया गया। अभ्यास तथा परीक्षणों के उपरांत इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। अगला है, मछलियों में रासायनिक तत्वों का पता लगाने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है, मछलियों में पता लगाने के लिए रासायनिक तत्वों का पता लगाने के लिए सिफ टेस्ट का शुरुआत की गई है। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोच्चि केरल द्वारा विकसित मछलियों में रासायनिक मिलावट या छिड़काव का पता लगाने वाली त्वरित परीक्षण फिट या सीफेट को 30 जनवरी 2018 को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया है। अगला है, 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है?
देखिए इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। अगर हम बात की जाए तो पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग का पुरस्कार दिया गया, और उसके बाद आईटीबीपी को अर्धसैनिक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ग्रुप का पुरस्कृत किया गया। और राज्यों की श्रेणी की झांकी की बात की जाए तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने, द्वितीय स्थान असम ने और तृतीय स्थान छत्तीसगढ़ ने इसमें प्राप्त किया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया तिरुवनंतपुरम। देखिए इसका आयोजन 23 से 24 जनवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया गया, जिसमें केरल जल संसाधन विभाग की सहभागिता भी थी। और इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के 550 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न पहलुओं पर 140 से अधिक तकनीकी शोध प्रस्तुत किए गए। किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई, इसका आंसर है हरियाणा। 6 फरवरी 2018 को किसान कल्याण प्राधिकरण की घोषणा की गई। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है, और उन प्राधिकरण कृषि संबंधी उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा जिससे किसान के हित में कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम की एक शीर्ष टीम बताइए। देखिए इसकी जो शीर्ष टीम थी, जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो किया हरियाणा ने, सेकंड रहा इसमें महाराष्ट्र और थर्ड रहा इसमें दिल्ली। देखिए प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम का आयोजन 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2018 के मध्य इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो हरियाणा था जो प्रथम रहा, इसने 36 रजत और 38 कांस्य के साथ कुल 102 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2018 के फाइनल में भारत ने किसे पराजित कर खिताब जीता, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता थी ये न्यूजीलैंड में आयोजित की थी, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार 4 बार इस खिताब को जीता है। नहीं देखिए सॉरी हम लगातार नहीं कह सकते, भारत 4 बार इस खिताब का चैंपियन बना है, जो कि एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है शर्मिला निकोलेट का संबंध किस खेल से है, तो आंसर है गोल्फ। देखिए भारतीय महिला गोल्फर शर्मिला निकोलेट ने 10 फरवरी 2018 को चाइना एपीजी टूर के लिए क्वालिफाई किया, और शर्मिला निकोलेट पहली भारतीय गोल्फर हैं जिसने इस सफलता के लिए क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 के व्यक्तिगत सफलता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर है शरत कमल ने पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में एथेंस अमल राज को हराकर खिताब जीता। शरत कमल ने 8वीं बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतकर कमलेश मेहता के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके बाद है गोबर धन योजना लॉन्च की गई।
गोवर्धन योजना को लॉन्च हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत जिले में गोवर्धन परियोजना को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में की गई। देखिए इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी 2018 को आगामी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कुल कितने सांकेतिक का प्रयोग किया जाता है? तो इनका आंसर है पांच सांकेतिक का प्रयोग किया जाता है, पांच संकेतों द्वारा बताया जाता है और इस सूचकांक में भारत का 42वां स्थान था वर्ष 2016 में इसमें भारत का स्थान 32वां स्थान था। तो 10वें विश्व आहार एवं कृषि सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बर्लिन जर्मनी में। 20 जनवरी 2018 को 10वीं विश्व आहार एवं कृषि सभा का आयोजन किया गया और इसमें भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण समझौते को स्वीकृति दी है? तो वो दी है ब्रिटेन यूके को। आम बजट 2018-19 में लॉन्च किए गए ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है? तो इसका आंसर होगा आलू प्याज और टमाटर से। आम बजट 2018-19 ने रेलवे का पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? रेलवे का जो पूंजीगत व्यय रखा गया है वो 1,48,528 करोड़ रुपए लगा रखा गया है। इसमें उन रेल परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, नई विद्युतीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2018-19 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 3.3%। वर्तमान में कितने राज्यों में महिला राज्यपाल कार्यभार संभाल रही हैं? तो इसका आंसर होगा 4। एग्जाम वॉरियर्स किसकी करती है? तो ये लिखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। देखिए 4 फरवरी को, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इससे आगे है, किस स्थान पर भारत में पहला तैरता बाजार स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसकी जो स्थापना की गई वो 26 जनवरी को की गई और जो इसका उद्घाटन किया वहाँ की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और जो कोलकाता के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित है, यह झील 400 मीटर लंबी है तथा 60 मीटर चौड़ी है और इस झील को बाजार में बदलने की प्रेरणा थाईलैंड से ली गई है जहाँ ऐसा ही एक बाजार स्थित है। अगला है, सुधा कर्माकर का संबंध है? तो सुधा कर्माकर का संबंध है थिएटर से। सुधा कर्माकर थिएटर कलाकार निर्देशक तथा बाल थिएटर की प्रेरणा सुधा कर्माकर का 5 फरवरी 2018 को मुंबई में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 63वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया हिंदी मीडियम को। भारत के किस राज्य में स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पहली
स्वच्छ जल पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके या उत्तरकाशी जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। किस देश में हाल ही में पेट्रो क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है वेनेजुएला। रस बनारस संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आएगा वाराणसी। रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी जो स्थापना का वो है हाल ही बजट में इसकी घोषणा है, और जो इसकी स्थापना की जाएगी वो बड़ोदरा में की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अम्मा टू व्हीलर योजना किस राज्य में प्रारंभ की है? देखिए, जो अम्मा से संबंधित हैं ये लगभग योजनाएं तमिलनाडु में चलाई जाती हैं, तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा पश्चिम बंगाल में। देखिए, इस बक्सा राष्ट्रीय पार्क में एक पौधे की नई प्रजाति की खोज हुई है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा भारत देश। महामित्काशिभ्य महोत्सव 2018 का संबंध है भगवान बाहुबली से, इसका संबंध है, ये बौद्ध धर्म से माने जाते हैं। सभी स्टेशनों पर 100% LED प्रकाश व्यवस्था को पूरा करने वाला देश का पहला रेलवे क्षेत्र बना है, तो वो बना है दक्षिण मध्य रेलवे, जिसके अंतर्गत 733 स्टेशन आते हैं। वह भारतीय राज्य जहां दादा दादी पार्क की स्थापना की गई है की जाएगी, तो वो की जाएगी झारखंड राज्य में। पहला एशियाई तैराक जिसने अंतर्देशीय महासागर तैरने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो वो है रोहन मोरे, ये विश्व के 9वें हैं और एशियाई और भारत के पहले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा भारत देश। फारस की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति का हिस्सा है, तो है अशगाबात समझौता। देखिए, ये समझौता 1 फरवरी 2018 को अशगाबात समझौते में शामिल हुआ भारत। इस समझौते में फारस की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति का हिस्सा है, और इस समझौते के 4 देशों द्वारा भारत को इस समझौते में शामिल होने पर सहमति दी गई। अप्रैल 2011 में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान अशगाबात समझौते के संस्थापक देश माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के शामिल होने से कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत के शामिल होने से उनके सदस्यों की संख्या 43 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में किस रैंकिंग में सर्वाधिक अमीर देश है? तो इसका आंसर होगा 6। लाई फाई में इंटरनेट सिग्नल्स को भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ALED का उपयोग किया जाता है। 29 जनवरी 2018 को वायरलेस टेक्नोलॉजी लाई फाई का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण IIT मद्रास तथा फिलीपींस इंडिया कंपनी के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व के कितने देशों की यात्रा एक साथ की थी? तो 3 देशों की यात्रा एक साथ की थी, ये 4 दिवसीय यात्रा थी। इससे आगे चलते हैं हम कुछ
नियुक्तियां हैं? पूछे रायसिल रैमफोसा, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये 15 फरवरी को चुने गए हैं। और इसके बाद है चंद्रशेखर कंबर, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चुने गए हैं 12 फरवरी को, और इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का स्थान लिया है। उसके बाद आते हैं सुदीप लखटिकिया, एनएसजी का महानिदेशक, एनएसजी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, वो अपना कार्यभार, इससे पहले थे जो एसीपी सिंह का स्थान ग्रहण किया है, जो 31 जनवरी 2018 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके थे। इसके बाद है नीलम कपूर, नीलम कपूर साई का महानिदेशक, साई का अर्थ होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई के डीजी महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं नीलम कपूर। 1982 बैच की भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इसके बाद है ओम प्रकाश रावत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त चयनित हुए हैं वर्ष 1977 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ओम प्रकाश रावत को भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने 23 जनवरी 2018 को अपना पद ग्रहण किया है। उन्होंने अचल कुमार ज्योति का स्थान लिया है। उसके बाद है इंदिरा न्यूई, ये पेप्सिको की चेयरमैन तथा CIO ICC बोर्ड की अध्यक्ष चुनी गई। जैकुबा जुमा, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है, हम अब त्याग पत्रों की बात करेंगे। उसके बाद है मुकेश खन्ना, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी के चेयरपर्सन से इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। उसके बाद बात करते हैं आस निधनों की, जो फरवरी महीने में चर्चित निधन रहे। पहला है आसमा जहांगीर, पाकिस्तान के प्रसिद्ध वकील व सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनका निधन 11 फरवरी 2018 को लाहौर में हो गया था और वह 66 वर्ष के थे। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन की सह संस्थापक तथा चेयरपर्सन रही आसमा जहांगीर को भारत पाकिस्तान मैत्री का संदेशवाहक माना जाता था। ये हमेशा से ही पाकिस्तानी सेना का विरोध करते रहे हैं। अच्छा, इससे आगे है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किसे दिया गया? मगही भाषा के लेखक शेष आनंद मधुकर को 31 जनवरी 2018 को साहित्यिक अकादमी भाषा सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद है ग्रैमी अवार्ड्स 2018, देखिए ग्रे न्यूयॉर्क USA 29 जनवरी 2018 को 60वें ग्रैमीस अवार्ड्स घोषित किए गए, जो एकल गीत ट्रेडर्स व्हाट आई लाइक को सॉन्ग्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।